अरे आगे सट जाओ, अरे मुलायम भाई। मुलायम भाई शुरुआत करेंगे।
बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमारा ये सौभाग्य है उत्तराखंड की पावन भूमि पर जन्मे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पे हमारे बीच में सम्मिलित है। शुरुआत करना चाहेंगे धन्यवाद के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज यहाँ पर आप हमारे बीच में सम्मिलित हुए हैं। तो ऐसे में हम शुरुआत करेंगे स्वागत के साथ। तो मैं हमारे जिला अधिकारी हरिद्वार श्री धीराज गर्ब्याल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो आगे बढ़कर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाए। साथ ही साथ अब हम स्वागत करना चाहेंगे श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का माननीय सांसद हरिद्वार, जिसके लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री पवेंद्र डोभाल जी से SSP की आगे बढ़कर स्वागत करें। श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी माननीय सांसद हरिद्वार। अब हम आगे बढ़कर स्वागत करना चाहेंगे श्री नरेंद्र बंसल जी, श्री नरेश बंसल जी माननीय सांसद राज्यसभा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे DEO श्री वेद प्रकाश जी से कि वो आगे बढ़कर हमारे माननीय सांसद श्री नरेश बंसल जी का स्वागत करें। और साथ ही साथ अब हम स्वागत करना चाहेंगे श्रीमती कल्पना सैनी माननीय सांसद राज्यसभा का, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे हरिद्वार के CEO श्री प्रदीप जैन जी से कि वो आगे बढ़कर मैम का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अब मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री संदीप गोयल जी से कि वो गदा भेंट करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। और साथ ही साथ अब हम बड़ी माला के साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हरिद्वार के जिलाध्यक्ष और रुड़की के जिलाध्यक्ष जी से कि वो आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ी माला भेंट कर उनका स्वागत करें। बहुत सारा शोर हो जाए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब मैं आग्रह करना चाहूंगी हम सभी के चहेते हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से कि वो आगे बढ़कर हमारी सभी महिलाओं को संबोधित करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। भारत माता की। पीछे तक लगभग 1 किलोमीटर दूर तक लोग बैठे हैं, वहां मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़े करके भारत माँ की जय जयकार के नारे लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों और बहनों, विशेष करके आज मेरी मातृशक्ति देवभूमि के इस हरिद्वार जो विश्व की आध्यात्म की राजधानी है, इस गंगा माँ के तट पर आज 50-60 हजार से भी अधिक मातृशक्ति जिस तरीके से आज सड़कों पर उतर करके हर्ष और उल्लास के साथ अपने प्रधानमंत्री जी और अपने प्रिय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी दोनों को धन्यवाद देने के लिए
और अपने खुशी के उत्सव मनाने के लिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। मैं समझता हूँ कि आज शायद ये हरदारी ने उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा जब हजारों हजारों मेरी मातृशक्ति इस महोत्सव का आनंद लेकर के और कई किलोमीटर तक दोनों तरफ मुख्यमंत्री जी जिन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे, ऐसी मेरी मातृशक्ति आज यहाँ पर एकत्रित हुई है और आपके अभिनंदन के लिए, आपके वंदन के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड देवभूमि के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में एक नहीं तो तमाम ऐतिहासिक काम हो रहे हैं जो न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि देश के लिए नजीर बन रहे हैं, हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं आज हरिद्वार की इस धरती पर। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहले आपने यहाँ पर 33% का पहले आरक्षण दिया था और जिस तरीके से 50% महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व त्रिस्तरीय चुनाव में यहाँ मिला, ये एक नजीर है और उससे भी आगे बढ़कर पूरे देश के लिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उस 140 करोड़ लोगों के देश में वहां पहली बार देवभूमि उत्तराखंड ने आज यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में समान आचार संहिता लागू कर मेरी मां बहनों का सम्मान किया है, हम आपका अभिनंदन करते हैं। देवभूमि हरिद्वार की धरती पर आज यहां पर हमारे मंच पर हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी हमारे बीच हैं। आप सबको बधाई देने के लिए हमारे बहुत वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी आपको बधाई देने के लिए आए हैं। हमारे बीच हमारी बहन जो इसी जिले से है और राज्यसभा में है प्रतिनिधित्व करती है कल्पना सैनी, वो भी आपको बधाई देने के लिए यहाँ पर आई है। हमारे बीच दोनों जिलों के जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर आपको बधाई देने के लिए आए हैं। हमारे विधायक चाहे प्रदीप भट्टा जी हो, हमारे यशस्वी विधायक राजेश चौहान हो और जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण जी और राज दायित्वधारी शामिल सैनी जी सहित तमाम लोग मैं इधर देख रहा हूँ इस मंच पर, सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर के जिले के पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष से लेकर बहुत लोग आपको बधाई देने के लिए आए हैं। मैं तो इस अवसर पर ये ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक दिन है आज हरिद्वार के इस इतिहास में आज का दिन कभी न भूलने वाला दिन है और इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो कानून बना है केंद्र में, हम उसके लिए अपने प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से महिलाओं के उत्थान की दिशा में एक नई सैकड़ों कदम उठा करके ये नजीर पेश की जा रही है, चाहे गौरा देवी धन कन्या योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली हो, लखपति दीदी की योजना का जिसमें 18,000 हमारी लखपति दीदी हैं उनका हो, चाहे द्रोण दीदी का हो, बहुत सारे जो सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर नारी शक्ति महोत्सव तक आज जितनी भी योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए मेरी देवभूमि उत्तराखंड में हो रही है वो निश्चित रूप में ऐतिहासिक है। मैं एक बार आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं यहाँ के जिला अधिकारी जिला प्रशासन को सीजी और उनकी टीम को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक तारा प्रोजेक्ट दिया है आज, जिसके आंगनवाड़ी केंद्रों से लेकर के मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उनके संरक्षण में उनके मार्गदर्शन में ये भी देश का एक अद्भुत ऐसी महिलाओं को जो आर्थिक संबल देगा
ऐसा पहला उदाहरण सारा प्रोजेक्ट के तहत है, उसके भी मैं आपको बहुत सारी बधाई दे रहा हूँ। बच्चों को सकारात्मक माहौल में शारीरिक और मानसिक विकास उनका होगा। ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है ये सशक्त होंगे और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिस तरीके से 18,000 बहनों को लखपति अभी तक बना दिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि इस जिले में 35,000 बहनों को लखपति बनाया जाएगा। और इसलिए हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, आपने रीप आज जो सहकारिता 13 सहकारिता के भी आप करने वाले हैं, बहुत सारी योजनाएं हमको आप देके जा रहे हैं। और जो मीठी गंगा प्रोजेक्ट आपके नेतृत्व में जो अब नया शुरू हो रहा है, यहाँ से मीठी गंगा जो शहद और मौन पालन का अभियान शुरू होगा वो भी अद्भुत होगा हिमालय से। इसलिए मैं एक बार सभी जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट कर रहा हूँ। मेरी माँ बहने बहुत दूर दूर से आई हैं, सुबह से चली हैं, जुनून के साथ आई हुई हैं। जितने लोग यहाँ हजारों हजारों बैठे हैं, उतने लोग पीछे खड़े हैं जो दिख भी नहीं रहे यहाँ से इतनी दूरी तक, आधा किलोमीटर लंबाई पर और आधा किलोमीटर चौड़ाई पर ये लोग आज एक नया इतिहास रच रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री जी हम हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इसके बाद मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे लोकप्रिय विधायक हरिद्वार श्री मदन कौशिक जी से कि वो आगे बढ़कर मंच पर आकर हमारी सभी महिलाओं को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे लोकप्रिय विधायक हरिद्वार श्री मदन कौशिक जी। भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति जिंदाबाद। आज इस नारी शक्ति महोत्सव में हमारे मध्य में हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में निरंतर